हेलो दोस्तों, इग्नू गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है। ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। ऑनलाइन प्रोग्राम दिसंबर 23 का एग्जाम डेट शीट आ चुका है और डेट शीट में एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइन भी दिया गया है। सबके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। आप देख सकते हो ये अभी टेंटेटिव डेट शीट है दिसंबर 23 का ऑनलाइन प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये जो टेंटेटिव डेट शीट है यही फाइनल डेट शीट होता है। बहुत ही मिनिमम चेंजेस होता है, मतलब आप पकड़ सकते हो ये जो डेट शीट है यही आपके फाइनली डेट शीट ही रहेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। इसमें बहुत सारे गाइडलाइन दिया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है। 18 सितंबर ये डेट शीट रिलीज हुआ है और आगे ऐसे टेंटेटिव डेट शीट और भी आते रहेगा, लेकिन ये जो डेट है ये बहुत ही कम चांसेस है कि चेंज हो। ये जो डेट शीट है आप देख सकते हो, CAL CFL ऐसे सारे जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स है ये सबके लिए है। और ये बोला गया है कि ये जो एग्जाम होगा ये 2 सेशन में होगा, मतलब मॉर्निंग सेशन में होगा और इवनिंग सेशन में होगा। मॉर्निंग सेशन आपका स्टार्ट होगा 10 बजे और इवनिंग सेशन जो है वो 2 बजे से शुरू होने वाला है। लेकिन ये जो एग्जाम ड्यूरेशन है ये क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा, मतलब आपका पेपर जो है वो 2 घंटे के लिए है या 1 घंटे के लिए है, वो आपके क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें ही मेंशन रहेगा। इन जनरली क्या होता है, 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं और 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है, एग्जाम के लिए आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है जो एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका जो इग्नू के मेन वेबसाइट है उसमें से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में ये लेके प्रॉब्लम होता है। एग्जाम हॉल में जिस लैंग्वेज से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम हिंदी मीडियम चूज किया है तो आपको हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो आपको इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, मतलब आपने लैंग्वेज चूज किया है इंग्लिश लेकिन एग्जाम हॉल में आप हिंदी में लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम में आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप अगर मान लो कि इंग्लिश ऑनर्स लिए हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। लेकिन मान लो कि आप साइकोलॉजी ऑनर्स के हो या हिंदी लिए हो या कोई भी अदर प्रोग्राम है जो प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑफर किए गए हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हो। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपने एडमिशन के टाइम कौन सा मीडियम चूज किया। ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो लैंग्वेज चूज किया है उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है तो आप बेफिक्र होकर हिंदी में लिख सकते हो। नेक्स्ट बोला गया है कि अगर आपको एग्जाम डेट या सेशन में क्लासेस हुआ तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब डेट जो है वो चेंज नहीं होगा। किस किस केसेस में, अगर आपके कोई बैक लगा हुआ है, मतलब मान लो कि आपका फर्स्ट ईयर में कोई एक कोर्स है और सेकेंड ईयर में और एक कोर्स है और दोनों का एक ही टाइम में एग्जाम पड़ गया तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। या आप अगर डिफरेंट प्रोग्राम के हो, मतलब 2 डिफरेंट प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिए हो और वो 2 डिफरेंट प्रोग्राम का सब्जेक्ट अगर एक ही टाइम में पड़ गया, एक ही डेट में गिरा, तो ये जो एग्जाम डेट है वो चेंज नहीं होगा। आपको किसी एक ही प्रोग्राम के सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। लेकिन आपके करेंट ईयर में अगर कोई 2 कोर्स एक ही डेट और टाइमिंग में पड़ गया तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो डेट चेंजेस के लिए। तो इन जनरली ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अगर हुआ है आपके साथ ऐसा तो आप कमेंट में लिखिए, और कमेंट करते टाइम आप आपका सेशन और आपका जो प्रोग्राम नेम है वो जरूर मेंशन करना। तो आप देख सकते हो दिसंबर 23 ऑनलाइन प्रोग्राम एग्जाम जो है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और वो जाके एंड होगा 5 जनवरी 2024 को। मतलब लगभग आप पकड़ सकते हो कि ये 30 दिन तक आपका जो एग्जाम है वो चलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ का लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। और जो जो स्टूडेंट दिसंबर 23 एग्जाम फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है वो लोग जल्दी से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर तक है और इस बार आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर लेना। फॉर्म फिलअप का जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मैसेज में मेरे साथ बात करने के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी इग्नू गाइड JS को फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।